किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए बने भारतीय किसान यूनियन भानू के मुरादाबाद युवा जिला अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के दलपतपुर भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय पर उनके नेतृत्व में आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने किसानों की समस्याएं सुनी और किसानों की बुलंद आवाज करने के लिए संगठन को मजबूती से बढ़ाते हुए रिजवान अली को भारतीय किसान यूनियन भानू के युवा जिलाध्यक्ष पद पर उन्हें नियुक्त किया गया, जिसमें नियुक्ति के बाद युवा जिलाध्यक्ष ने किसानों के हित और उनके बीच पहुंचकर समस्या सुनकर अधिकारियों तक उनकी आवाज बुलंद करने का कार्य करेंगे। जिसके चलते रिजवान अली ने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानू के संगठन का मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि मुझे आज इस पद से नियुक्त कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें मैं संगठन में पूरी ईमानदारी से किसानों के हक के लिए 24 घंटे काम करूंगा और क्षेत्रीय और जिले लेवल के करीब किसानों की समस्याएं सुनकर उनका हक दिलवाने का भी काम करूंगा। रिजवान भाई, आपको किस पद से नियुक्त किया गया है, किसने नियुक्त किया है? युवा जिला अध्यक्ष पद से नियुक्त गया। आज मुझे भारतीय किसान यूनियन भानू के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान जी द्वारा युवा जिला अध्यक्ष पद से नियुक्त किया गया है। संगठन में पूरी ईमानदारी से 24 घंटे काम करूंगा और किसानों के लिए लड़ेंगे। कितनी खुशी हो रही है आपको? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। जो किसान की समस्या है किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? जैसे किसानों की समस्या है तो अधिकारियों के बीच जाएगा, समस्या का सोल्यूशन किया जाएगा, जो भी परेशानी है।